कूदे जो पीएससी मा होगे बवाल। दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल। काम पर ले थसरे टेंशन, अरे काम पर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर में धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस टॉप एमसीक्यू सीरीज में, जिसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और उन प्राकृतिक जो प्रदेश हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। इसके बाद आगे का जो आज हमारा टॉपिक है वह है छत्तीसगढ़ का धरातलीय विभाजन। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका आज का टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ का धरातलीय विभाजन। और धरातलीय विभाजन में क्या लिखा हुआ है? पर्वतीय क्षेत्र। मतलब धरातलीय विभाजन के आधार पर भी छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन कम्युनिटी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से ही संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं। संपूर्ण मतलब कंप्लीट कोर्स की तैयारी हम क्या कर रहे हैं, आपको इस एमसीक्यू के माध्यम से करवा रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के धरातलीय विभाजन के बारे में। छत्तीसगढ़ का धरातलीय विभाजन पढ़ने से पहले, जो हमको आज पढ़ना है पर्वतीय क्षेत्र, उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि धरातलीय आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि छत्तीसगढ़ को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का धरातलीय विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि प्राकृतिक आधार पर छत्तीसगढ़ को किन किन प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और उन प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, इसको आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जब तक मैं आपको धरातलीय विभाजन के बारे में कुछ चर्चा करता हूं। ठीक है, तो धरातलीय विभाजन, धरातलीय विभाजन, तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसको धरातलीय आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो भाग? तो इन चार भागों में एक आपको देखना है पर्वत या पहाड़ वाला क्षेत्र, दूसरा आप पढ़ेंगे पठार, तीसरा अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश और चौथा देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान। तो धरातलीय आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं चार भाग? तो पर्वत, पठार, पाट और मैदान। अब कहा किसे जाता है, किस क्षेत्र को पर्वत कहेंगे हम, किस क्षेत्र को पठार कहेंगे, किसको पाट कहेंगे और किसको मैदान कहेंगे? तो पर्वत हम उस क्षेत्र को कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जो कि क्या है, धरातल है और धरातल से ऊपर उठा हुआ है, तथा जिसकी क्या है, अपनी एक विशेष चोटी है। आप देख पा रहे हैं क्या है, उसकी एक विशेष चोटी है या एक पर्टिकुलर उसकी क्या है, चोटी है। और इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम जो हाइट है ये इसकी 600 मीटर होनी चाहिए। मतलब धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है, और उसमें क्या है, एक अपनी चोटी है, तो वो क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी पर्वतों में लगातार बहुत सारे पर्वत जुड़े हों तब ये क्या कहलाती है, पर्वतों की श्रृंखला कहलाती है। क्लियर है? दूसरा है पाट, तो पाट भी धरातल से ऊपर उठा हुआ एक भाग है जिसकी चोटी क्या होती है, समतल होती है, जिसकी चोटी क्या होती है, समतल होती है, तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका पाट क्षेत्र कहलाता है। क्लियर यहां तक? ठीक, फिर तीसरा है आपका पाट प्रदेश, सॉरी ये क्या है आपका,
पठार कहलाता है, मतलब धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसकी चोटी क्या हो, समतल हो, फ्लैट सरफेस हो, तब वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। और ये जो पार्ट आप देखेंगे अगला, ये भी धरातल से ऊपर उठा हुआ ऐसा भाग है जिसका एक ढाल क्या रहता है, सीढ़ी नुमा रहता है। ढाल कैसा रहता है, तो सीढ़ी नुमा रहता है, तब यह क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका पाट प्रदेश कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैदान है, ऐसा क्षेत्र जिसकी हाइट 500 मीटर से कम हो और क्या हो, एक समतल भूमि हो, तब वो क्षेत्र क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ धरातलीय आधार पर किन किन भागों में विभाजित है, तो पर्वत, पठार, पाट और मैदानी, ठीक है, क्षेत्रों में क्या है, यह विभाजित है। जिसमें से आज हमारे चर्चा का विषय क्या है, पर्वतीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के पर्वतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मुख्य मुख्य रूप से कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो सबसे पहले अपन एक मैप बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक, ये जो आपका छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमने दूसरे वीडियो में देखा था छत्तीसगढ़ के कितने सीमावर्ती जिले हैं और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने भू अवस्थित जिले हैं। तो जैसे ही आप अभी अपना नोट्स खोलकर रखे होंगे, छत्तीसगढ़ के सभी सीमावर्ती जिलों को लिखिए आप। ठीक है, क्या करेंगे अभी आप, छत्तीसगढ़ के सभी सीमावर्ती जिलों को लिखेंगे। ठीक, तो इस सीमावर्ती जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में हमने कहां से शुरू किया था, यहां उत्तर से शुरू किया था। तो उत्तर के अंतर्गत सबसे पहला जिला हम क्या देखे थे, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर ये क्या हो गया आपका कोरिया, सूरजपुर, और ये क्षेत्र क्या है आपका बलरामपुर। ठीक, उत्तर के चार जिले कौन कौन से हो गए, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, फिर जब हम मनेंद्रगढ़ चिरमिरी से नीचे आए तो ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे मुंगेली, मुंगेली से नीचे कवर्धा, कवर्धा से नीचे खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इसके नीचे राजनांदगांव, राजनांदगांव के नीचे क्या देखे थे अपन, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अब मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नीचे आपने क्या देखा था, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नीचे आपका कांकेर जिला, कांकेर से फिर ये नारायणपुर और नारायणपुर से ये क्या हो गया आपका बीजापुर। ठीक, फिर जब हम बलरामपुर से नीचे आए थे तो बलरामपुर के नीचे ये क्षेत्र क्या आपका जसपुर, जसपुर से नीचे ये आपका क्या हो गया रायगढ़, रायगढ़ के नीचे सारंगढ़ बिलईगढ़ और सारंगढ़ बिलईगढ़ के नीचे महासमुंद, और महासमुंद के बाद ये जो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे आपने क्या देखा, तो ये चीज है आपका क्या धमतरी, गरियाबंद के नीचे कौन सा जिला धमतरी, धमतरी के नीचे फिर कौन सा जिला, तो धमतरी के नीचे आपने देखा था कि कोंडागांव जिला था और कोंडागांव के नीचे क्या आपका बस्तर। ठीक है, और ये सबसे नीचे में आपका कौन सा एक जिला है, तो यह एक सुकमा जिला आपका है। ठीक, यहां पर आपका ये कौन सा जिला हो गया, तो ये आपका सरगुजा जिला है, और नीचे आपका ये क्या है आपका, तो ये दंतेवाड़ा जिला है। ठीक, अब देखते हैं अपन कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं, प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो उत्तर में चार जिले हैं, ठीक है, कहां पर, उत्तर में जो चार जिले हैं, इन चारों जिलों पे क्या है, एक पर्वत का विकास है, सॉरी एक पर्वत का क्या है विस्तार है, जिसका नाम है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, क्या नाम है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी का विस्तार कहां कहां पर, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में। ठीक है, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी का विस्तार कहां कहां पर है, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन चारों जिलों के अंतर्गत कौन सी एक पहाड़ी विस्तृत है, तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी विस्तृत है। क्लियर, इसके बाद ये जो आपका सूरजपुर जिला है, कौन सा जिला, सूरजपुर जिला, यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी पहाड़ी। फिर जैसे ही आप सूरजपुर से नीचे आ रहे हैं तो ये जो सरगुजा जिला है आपका, तो सरगुजा जिले में
दो महत्वपूर्ण पर्वत पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है आपको रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी, और दूसरा आपको पढ़ना है मतिरिंगा की पहाड़ी, मतिरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? मतिरिंगा की पहाड़ी। मतिरिंगा की पहाड़ी के उपरांत नीचे जैसे ही आप आते हैं तो ये आपको दिखता है जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा के अंतर्गत एक पहाड़ है जिसका नाम है दलहा पहाड़। ठीक है, कौन सा पहाड़ है? दलहा पहाड़ है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत कौन सा पहाड़? तो दलहा पहाड़। फिर आप नीचे आए तो ये आपका जिला क्या हो गया? महासमुंद। महासमुंद के नीचे क्या हो गया? ये गरियाबंद, धमतरी, बालोद, ये कहलाता है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, ये चारों जिले क्या कहलाते हैं? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, या धमतरी महासमुंद का पठार भी ये कहलाता है। इसको हम लोग जब अपना पठारीय क्षेत्र पढ़ेंगे तब देखेंगे। और इस धमतरी के नीचे आपका क्या हो गया? कोंडा गांव। ठीक, और कोंडा गांव के अंतर्गत एक घाटी जिसका नाम है क्या? केशकाल की घाटी। कौन सी घाटी? केशकाल की घाटी। आप सभी को पता होगा केशकाल की घाटी, नहीं पता है तो आप जाइए घूम के आइए बिल्कुल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? केशकाल की घाटी। केशकाल की घाटी कहां पर? तो ये है आपका कोंडा गांव में। कहां पर है? तो ये आपका कोंडा गांव में है। ठीक है, दलहा पहाड़ आपने कहां देखा? तो जांजगीर चांपा में। ठीक है, मतिरिंगा की पहाड़ी तो सरगुजा में। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी भी कहां? तो ये भी आपका सरगुजा में। ठीक है, चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी आपको ऊपर समझ में आ रहा है। चारों जिलों कौन कौन सा? मनेंद्रगढ़ की मेरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में। ठीक है, फिर ये आपका दिख रहा है आपको दंतेवाड़ा जिला। तो दंतेवाड़ा के मैक्सिमम क्षेत्रों में और इसके अलावा बस्तर जिले में एक पहाड़ी का विस्तार है जिसका नाम है बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, कहां कहां पर? तो बस्तर और दंतेवाड़ा में। मैक्सिमम क्षेत्र कहां विकसित है? तो वो है दंतेवाड़ा में। ठीक है, मतलब आपको अगर एक जिला दे दिया जाए लगाने के लिए बैलाडीला की पहाड़ी को, तो आप कहां पर लगाएंगे? दंतेवाड़ा जिला लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको एक से अधिक जिले दिए जा रहे हैं तब आपको क्या करना है? दंतेवाड़ा प्लस बस्तर को क्या करना है? सही ऑप्शन में लेना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। इसके नीचे क्या आपका? तो आपने देखा था ये गौरेला पिंडा मरवाही, फिर मुंगेली, मुंगेली से नीचे कंवर्धा, कंवर्धा से नीचे खैरागढ़ छुई खदान गंडई और फिर राजनांदगांव। इन जिलों में कौन से एक पर्वत है? तो इन जिलों के अंतर्गत है आपका एक पर्वत जिसका नाम है मैकल पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है? तो ये है आपका मैकल पर्वत। ठीक, कौन सा पर्वत? मैकल पर्वत। कौन कौन से जिलों में? तो गौरेला पिंडा मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, कवर्धा से फिर खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के उपरांत फिर राजनांद गांव। ठीक है, इसमें कौन सा एक जिला आप, कौन सा एक ये है पहाड़ है? तो वो है आपका मैकल पर्वत। ठीक है, इसके बाद मोहलामानपुर अंबागढ़ चौकी हो गया। मोहलामानपुर अंबागढ़ चौकी के उपरांत है ये आपका कांकेर जिला। कांकेर जिले के अंतर्गत एक पहाड़ जिसका नाम है गड़िया पहाड़। ठीक है, कौन सा पहाड़ है? तो यहां पर है एक गड़िया पहाड़। फिर कांकेर जिले में ही एक और पहाड़ी जिसका नाम है रावघाट की पहाड़ी। रावघाट की पहाड़ी कांकेर जिले के अंतर्गत ही एक और कौन सी पहाड़ी है? तो रावघाट की पहाड़ी है। और रावघाट पहाड़ी का जो विस्तार है ये मैक्सिमम कहां पर है? कांकेर में है। लेकिन इसका कुछ भाग कौन से जिले में है? तो नारायणपुर जिले में भी है। ठीक है, इसके बाद जो आप नारायणपुर जिला देख रहे हैं तो नारायणपुर जिले के अंतर्गत एक प्रमुख पर्वत है, आप सभी जानते ही होंगे, जिसका नाम है अबू झमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? अबू झमाड़ की पहाड़ी। अबू झमाड़ की पहाड़ी। ठीक, इसके अलावा आप बीजापुर की ही बात करें तो यहां पर एक अल्बामा हिल्स, अल्बामा हिल्स, अलबका पहाड़, अल्बामा हिल्स, अलबका पहाड़ और उसूर की पहाड़ी भी यहां पर है।
अलबामा हिल्स, अलबका पहाड़ और उसूर की पहाड़ी, ये सब कहाँ पर है? तो ये बीजापुर में है। और ये आप देख रहे हैं जो सुकमा, सुकमा के अंतर्गत एक पहाड़ है जिसका नाम है गोलापल्ली की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी। क्लियर है? कौन कौन से पर्वत देख लिए आप? सबसे उत्तर में मनेन्द्रगढ़, चिमिली, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर के अंतर्गत चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी, मात्र सूरजपुर के अंतर्गत क्या, सीता लेखनी की पहाड़ी। नीचे आप क्या देख रहे हैं? सरगुजा, सरगुजा में कौन कौन सी पहाड़ी? तो रामगढ़ की पहाड़ी और मतिरिंगा की पहाड़ी। इसके उपरांत आप क्या देख रहे हैं? दलहा पहाड़, दलहा पहाड़ कहां पर आपका? तो जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा के उपरांत फिर आप नीचे आ रहे हैं तो कोंडागांव के अंतर्गत केशकाल की घाटी। फिर आप कहां पर आ रहे हैं और नीचे? दंतेवाड़ा और बस्तर वाले क्षेत्र में, तो कौन सी एक पहाड़ी? बैलाडीला की पहाड़ी। गौरेला पिंडरा मरवाही से लेकर राजनांदगांव तक का क्षेत्र किसका? तो मैकल पर्वत का। उसके नीचे कांकेर में कौन सा एक पर्वत? तो गड़िया पहाड़। और गड़िया पहाड़ के अलावा और कौन सा? रावघाट की पहाड़ी। फिर जो अबूझमाड़ का पहाड़ है वो कहाँ कहाँ पर है? तो नारायणपुर प्लस बीजापुर में है। और बीजापुर के अंतर्गत कौन कौन से तीन पर्वत आपको याद रखना है? तो अलबामा हिल्स, अलबका पहाड़ और उसूर की पहाड़ी। ये तीन पहाड़ी आपको कहाँ याद रखना है? बीजापुर में याद रखना है। और चौथा आपको सुकमा जिले के अंतर्गत एक पहाड़ी कौन सी याद रखनी है? तो गोलापल्ली की पहाड़ी याद रखनी है। क्लियर है यहां तक? अब यहां से आगे अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, और उसके बाद हम उसी क्वेश्चन में चलते चलते एक एक करके एक एक पहाड़ी को क्या करेंगे? पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है आपको यहां तक? सभी को क्लियर है कि नहीं है बताएंगे आप। ठीक, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के विषय में निम्न कथनों पर क्या करना है आपको? विचार करना है। चार आपको क्या दिए हुए हैं? कथन दिए हुए हैं। उन पर आपको क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के लिए? कि देवगढ़ चोटी पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ठीक, क्या बोला जा रहा है? देवगढ़ चोटी पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। दूसरा क्या बोला जा रहा है? इस पहाड़ी में बेरेलियम के अयस्क प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? देवगढ़ की पहाड़ी बलुआ पत्थरों से बनी है। और चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? देवगढ़ का पूर्वी भाग अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्या बोल रहा है? देवगढ़ का पूर्वी भाग अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये चार कथन दिए हुए हैं आपको, और इसमें क्या छांटना है आपको? कथन में कौन सा कथन जो है वो असत्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं? असत्य नहीं है, मतलब अपने को क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले सत्य कथन छांटना है। इसमें से अपने को क्या छांटना है? सत्य कथन छांटना है। चलो आंसर लगाओ, दो मिनट, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। लगा लिया आंसर, देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? देवगढ़ की चोटी पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। यह कथन गलत है। देवगढ़ की जो चोटी है वो पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने अभी जस्ट पिछले ही वीडियो में आपको ये चीजें क्लियर की थी कि देवगढ़ की जो चोटी है वो किसकी ऊंची चोटी है? तो पूर्वी बघेलखंड पठार की ऊंची चोटी है। और हाइट कितनी है इसकी? तो 1033 मीटर इसकी हाइट है। दूसरा बोल रहा है इस पहाड़ी पर बेरेलियम के अयस्क प्राप्त होते हैं। तीसरा बोल रहा है देवगढ़ की पहाड़ी बलुआ पत्थरों से बनी है। और चौथा बोल रहा है देवगढ़ का पूर्वी भाग अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना। तो ये जो पहाड़ी है इसमें बेरेलियम के अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है आपका। इस पहाड़ी के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? तो बेरेलियम के अयस्क प्राप्त होते हैं। अब बेरेलियम का अयस्क क्या है? तो बेरेलियम का अयस्क है बेरिल। ठीक है, क्या है? बेरिल। और यहां पर मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत बेरिल पाया जाता है, जो कि किसका अयस्क है? तो वो है आपके बेरेलियम का अयस्क। और ये जो बेरिल है इसका उपयोग वायुयानों में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला, देवगढ़ की जो पहाड़ी है ये बलुआ पत्थरों से बनी है। क्या है? देवगढ़ की जो पहाड़ी है किससे बनी है? बलुआ पत्थरों से बनी है। यह भी बिल्कुल सही है, देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो क्या है? बलुआ पत्थरों से बनी है। और चौथा क्या बोल रहा है? देवगढ़ का पूर्वी भाग अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्या बोल रहा है? पूर्वी भाग बोल रहा है, यही गलत है। ठीक है, देवगढ़ का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, कौन सा भाग? उत्तरी भाग अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, तो इसमें आपको क्या छांटना है? असत्य नहीं है बोल रहा है, मतलब सत्य कथन छांटना है। तो कौन कौन सा कथन सत्य हो गया आपका? दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो गया। ठीक है, कौन कौन सा कथन सत्य हो गया? दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो गया। और दूसरा तीसरा किस में है? तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? सी। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो क्या है? सत्य है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
दूसरा, चांग बखाड़ देवगढ़ पहाड़ी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। क्या पहचानना है इसमें डायरेक्ट अपने को? असत्य कथन पहचानना है। चांग बखाड़ देवगढ़ पहाड़ी के विषय में अपने को असत्य कथन पहचानना है। पहला कथन क्या बोल रहा है? इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? कैमूर पर्वत इसका भाग है। तीसरा बोल रहा है कैमूर पर्वत से हसदेव नदी का उद्गम है। चौथा बोल रहा है हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध नहीं है और इस क्षेत्र में कोयले का प्रचुर भंडार है। ठीक, ये क्या है? पांच आपको कथन दिए गए हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है? असत्य कथन देखने हैं। क्या बोल रहा है? दो और तीन असत्य है, केवल दो असत्य है, केवल पांच असत्य है और केवल चार असत्य है। ठीक है, अब इसी चीज को अपने को क्या करना है? देखना है। अब सबसे पहले अपन थोड़ा सा चांग बखाड़ देवगढ़ पहाड़ी के ही विषय में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, क्या पढ़ना है अपने को? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी पढ़ना है अभी अपने को। क्लियर है? अब चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है इसका विस्तार कहां कहां पर लिखेंगे आप? ठीक, विस्तार कहां कहां पर लिखेंगे? तो इसका विस्तार कहां पर? तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में क्या है इसका विस्तार है। ठीक है, ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी ऊंची चोटी है देवगढ़ की चोटी, आपको पता है। ठीक है, ऊंची चोटी क्या है इसकी? तो देवगढ़ चोटी क्या है इसकी? ऊंची चोटी है जिसकी हाइट कितनी है? 1033 मीटर है। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो है 600 से 1000 मीटर। ठीक है, क्या है? 600 से 1000 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। क्लियर हो गया? ठीक, फिर हमने क्या देखा था? खनिज यहां पे, तो खनिज यहां पर क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो एक कोयला खनिज प्राप्त होता है, पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, मतलब ऑटोमेटिक वहां पर आपको क्या आंख बंद कर लगाना है कि कोयला तो यहां पर मुख्य रूप से प्राप्त होगा ही होगा। दूसरा, हमने अभी पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि यहां पर बेरिलियम का अयस्क प्राप्त होता है, बेरिलियम का अयस्क क्या? तो बेरिल यहां पर क्या होता है? प्रमुख खनिज के रूप में प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, आगे ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, कैमूर पर्वत इसका मुख्य भाग है। ठीक है, कैमूर पर्वत क्या है इसका? मुख्य भाग है। कौन सा पर्वत? कैमूर पर्वत। अब दूसरे पॉइंट में, यहीं पे दूसरे कथन में क्या दिया था कि कैमूर पर्वत से कौन से नदी का उद्गम है बोला गया था? तो हसदो नदी का उद्गम है, या हसदेव नदी का क्या है? उद्गम है। यह कथन भी क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही है कि कैमूर पर्वत से क्या है? हसदेव नदी जो है वह प्रवाहित होती है, या हसदेव नदी उद्गमित होती है। कौन से पर्वत से? तो चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत एक कैमूर पर्वत है, और कैमूर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो हसदेव नदी निकलती है। अब ये जो हसदेव नदी है ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, हसदेव नदी जो है ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से क्या हो रहा है? कैमूर पर्वत से उद्गम इसका हो रहा है, और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में ही हसदेव नदी पर क्या है? तो एक जलप्रपात है। ठीक है, एक जलप्रपात है जिसका नाम है अमृतधारा जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? अमृतधारा जलप्रपात है। ठीक है, हसदेव नदी पर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत कौन सा एक जलप्रपात? तो अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जो जलप्रपात है आपका, ठीक है, इसके निकट तपसी बाबा का आश्रम है। ठीक है, किसका आश्रम है? तपसी बाबा का आश्रम है, तपसी बाबा का आश्रम। साथ ही यहां पर, कहां पर? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में अमृतधारा जलप्रपात के निकट ही 1936 से महाशिवरात्रि मेले का आयोजन हो रहा है। ठीक है, किसका आयोजन हो रहा है? महाशिवरात्रि मेले का आयोजन। महाशिवरात्रि मेले का आयोजन, ठीक है,
और इसका जो आयोजन 1936 में कराए थे वो कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? तो कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव, कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने 1936 में क्या कराया था, 1936 में यहां पर महाशिवरात्रि मेले का आयोजन कराया था, जिसके बाद से हर वर्ष महाशिवरात्रि पर क्या होता है, यहां पर मेला लगता है। क्लियर है? ठीक है, कौन सा एक जलप्रपात हसदेव नदी पर? तो अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात के निकट किसका आश्रम? तो तपसी बाबा का आश्रम। और यहीं पर क्या हो रहा है, 1936 से महाशिवरात्रि मेले का आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? तो कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव ने की थी। ठीक, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो रामानुज प्रताप सिंहदेव ने की थी। इसके बाद ये जो नदी है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से कोरिया जिले में पहुंचती है, कोरिया से फिर ये नदी आती है कोरबा, और कोरबा में हसदेव नदी पर 1967 में एक बांध बना जिसका नाम है हसदो बांगो बांध। ठीक, क्या नाम है? हसदो बांगो बांध। ठीक, इस हसदो बांगो बांध पर मिनी माता परियोजना चल रही है, मिनी माता परियोजना। और ये जो आपका हसदेव बांग है, ठीक है, हसदो बांगो जो बांध है आपका, इसकी ऊंचाई है 87 मीटर। ठीक, कितनी है हाइट इसकी? तो 87 मीटर क्या है इसकी हाइट है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, क्या है ये? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। कब बना हसदो बांगो बांध? तो 1967 में बना, और 1967 में फिर यहां पर कौन सी एक परियोजना चल रही है? तो मिनी माता परियोजना चल रही है। बांध की हाइट कितनी? तो 87 मीटर, और ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। इसी मिनी माता परियोजना के तहत 1994 में, कब? 1994 में यहां पर एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, और इस जल विद्युत संयंत्र से यहां पर 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, 120 मेगावाट बिजली उत्पादन। ठीक, क्या हो रहा है यहां पे? 120 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। क्लियर, कोरबा से फिर ये जो हसदेव नदी है ये पहुंचती है जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के अंतर्गत शिलादेई नामक स्थान पर, ठीक है, कौन से स्थान पर? शिलादेई नामक स्थान पर ये जो हसदो नदी है ये महानदी से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जाती है? तो महानदी से मिल जाती है, दोनों का यहां पे क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। इस तरह आपको एक चीज और क्या समझ में आ गया कि हसदेव किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, चांगबखार देवगढ़ पहाड़ी, चांगबखार देवगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत एक पर्वत कैमूर पर्वत, और इस कैमूर पर्वत से कौन सी एक नदी निकल रही है? तो हसदेव नदी निकल रही है। हसदेव नदी सबसे पहले कहां प्रवाहित हो रही है? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है। यहीं पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कौन सा एक जलप्रपात? तो अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात के निकट कौन सा आश्रम? तो तपसी बाबा का आश्रम। ठीक है, और इसी अमृतधारा जलप्रपात के निकट ही क्या लगता है, 1936 से महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है, और इसके जो शुरुआत किसने किया था? तो रामानुज प्रताप सिंहदेव। कौन थे रामानुज प्रताप सिंहदेव? तो कोरिया रियासत के राजा थे। फिर यह नदी कहां आ रही है? कोरिया। कोरिया से फिर कहां आ रहा है? कोरबा। और कोरबा से फिर कहां जा रहा है? यह जांजगीर चांपा। कोरबा में 1967 में इसमें कौन सा एक बांध? तो हसदो बांगो बांध। ठीक है, हसदो बांगो बांध के अंतर्गत कौन सी परियोजना? मिनी माता परियोजना। हसदो बांगो बांध की ऊंचाई कितनी? तो 87 मीटर। ठीक है, और ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, फिर आपने क्या देखा यहां पर कि 1994 से यहां पर क्या किया गया है? जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे 120 मेगावाट क्या किया जा रहा है? बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, फिर कहां पर चले गया? ये जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के शिलादेई नामक स्थान पर हसदेव नदी है, वो किससे मिल जाती है? महानदी से मिल जाती है। और इस तरह हसदेव किसकी सहायक नदी हो गई? महानदी की सहायक नदी हो गई। क्लियर है? चलो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर।
चांग बखार देव पहाड़ पहाड़ी के विषय में असत्य कथन आपको पहचानना है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर है। अभी बताया मैंने बिल्कुल यह सही है कि इस पहाड़ी की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 600 से 1000 मीटर है। कैमूर पर्वत इसका भाग है, यह कथन भी बिल्कुल सही है, कैमूर पर्वत क्या है, इसका भाग है। तीसरा क्या, कैमूर पर्वत से हसदेव नदी का उद्गम है, यह भी आपके लिए इजी हो गया। कैमूर पर्वत से ही क्या होता है, हसदेव नदी का उद्गम होता है। हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध नहीं है, अभी हमने देखा कि हसदेव नदी पर जो बांध है क्या आपका हसदेव बांगो बांध, जिसकी हाइट कितनी 87 मीटर, और ये छत्तीसगढ़ का क्या है सबसे ऊंचा बांध है। तो यही कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया, ठीक है, कि हसदेव नदी पर जो बांध है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। कौन सा बांध है, तो हसदेव बांगो बांध है, ठीक। फिर इस क्षेत्र में कोयले का प्रचुर भंडार है, बताया था मैंने पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, ठीक है। गुंडवाना चट्टान है, मतलब कोयला क्या होगा प्रमुख खनिज के रूप में वहां पर प्राप्त होगा ही होगा। मतलब कौन सा कथन बस गलत है आपका, तो चौथा कथन गलत है, और चौथा क्या लिखा है, डी के अंतर्गत केवल 4 असत्य है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। दूसरे का आंसर क्या हो गया आपका, डी, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला रामगढ़ पहाड़ी से संबंधित तथ्यों पर विचार करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, रामगढ़ पहाड़ी से संबंधित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। दूसरा क्या बोल रहा है, यहां तुर्रा पानी जलप्रपात स्थित है। तीसरा क्या बोल रहा है, इस पहाड़ी पर जोगीमारा गुफा है जो भीम बेटका गुफा के समकालीन है। और चौथा क्या बोल रहा है, हाथी पोल यहां की प्रमुख गुफा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या छांटना है, कौन से कथन असत्य नहीं है, क्या छांटना है आपको, कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब अपने को क्या देखना है यहां पे, सत्य कथन निकालना है यहां पे, ठीक है। क्या निकालना है, सत्य कथन निकालना है। क्या बोल रहा है, एक को छोड़कर सभी सत्य है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी को छोड़कर सभी सत्य है, सॉरी तीन को छोड़कर क्या है, सभी सत्य है। सी क्या बोल रहा है, 4 सत्य है। और डी क्या बोल रहा है, केवल 2 असत्य है। समझ आ गया, ये 4 क्या दिए हुए हैं आपके पास, कथन दिए हुए हैं। इन 4 कथनों में से एक को छोड़कर सब सत्य है, कि 3 को छोड़कर सब सत्य है, कि 4 बस सत्य है, या केवल 2 असत्य है, इसको क्या करना है अपने को जानना है। चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो रामगढ़ पहाड़ी के बारे में ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तब आप क्या कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से इसको बना पाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं रामगढ़ पहाड़ी को, रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी में आपको ध्यान में रखना है कि रामगढ़ पहाड़ी जो है इसका विस्तार कहां पर है, तो इसका विस्तार है सरगुजा जिले में, ठीक है। कौन से जिले में है, सरगुजा जिले में है। रामगढ़ पहाड़ी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये जो पहाड़ी है अपने गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी गुफा है यहां पर, तो यहां पर 4 प्रमुख गुफा है। एक आपको याद रखना है, सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा गुफा। दूसरा लक्ष्मण बेंगरा गुफा, तीसरा जोगी मारा गुफा, और चौथा हाथी पोल गुफा। ये 4 क्या हैं, इसके प्रमुख गुफा है। कौन कौन से, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा और हाथी पोल गुफा, ठीक है। इसमें से जो सीता बेंगरा गुफा है ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। सीता बेंगरा गुफा क्या है आपका, तो यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक। यह जो सीता बेंगरा गुफा है, इसकी खोज, सीता बेंगरा गुफा की खोज 1848 में कर्नल औसले ने किया था, 1848 में कर्नल
औसले ने किया था। सीता बेंगरा की खोज किसने किया था? तो 1848 के अंतर्गत कर्नल औसले ने किया था। फिर इसका प्रकाशित किसने किया, ठीक है, इसका प्रकाशन किस में हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो 1905 में टी ब्लॉक ने, ठीक है, किसने, टी ब्लॉक ने भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट में, कहां पर, भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट में, भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट में इसके बारे में एक प्रकाशन जारी किया था कि जो सरगुजा के अंतर्गत सीता बेंगरा गुफा है रामगढ़ पहाड़ी पर, वहां पर क्या है, एक गुफा है जो कि क्या है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। मतलब इस गुफा के बारे में क्या किया गया था, 1905 में भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट में एक लेख लिखा गया और बताया गया कि यहां पर जो गुफा है वो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताएंगे मुझे नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, ठीक है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है लक्ष्मण बेंगरा गुफा, ये सिर्फ नाम जानना है आपको कि लक्ष्मण बेंगरा गुफा रामगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत आता है। एक है आपका जोगीमारा गुफा, जोगीमारा गुफा आपको ध्यान रखना है कि इस जोगीमारा गुफा के अंतर्गत देवदत्त एवं सुतनुका, देवदत्त एवं सुतनुका की प्रणय गाथा का वर्णन है, देवदत्त एवं सुतनुका की प्रणय गाथा का वर्णन है, ठीक है, यहां की दीवारों पर देवदत्त एवं सुतनुका के प्रणय गाथा का वर्णन है, ठीक है, वर्णन है दीवारों पर लिखा हुआ है, मतलब किसी भाषा में लिखा गया होगा। तो ये जो प्रणय गाथा है ये पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक। इसके अलावा ये जो जोगीमारा की गुफा है यहां से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस गुफा के अंतर्गत एक वरुण मंदिर है और ये जो आपका जोगीमारा की जो गुफा है ये अजंता गुफा के समकालीन है, ठीक है, कौन से गुफा के समकालीन है, तो अजंता गुफा के समकालीन है, अजंता गुफा के समकालीन है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हाथीबोल गुफा, इतना आपको रामगढ़ पहाड़ी के विषय में याद रखना है। पहला क्या, विस्तार कहां पर है, सरगुजा में, ठीक है, इसके अंतर्गत चार प्रमुख गुफाएं, पहला क्या, सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा की जो गुफा है क्या है, तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला जो है इसकी खोज किसने की, तो 1848 में कर्नल औसले ने की। फिर आप क्या देख रहे हैं कि इसका प्रकाशित कब हुआ ये, तो 1905 में टी ब्लॉक ने क्या किया था, इसको भारतीय पुरातात्विक रिपोर्ट में प्रकाशित किया था, ठीक है। फिर लक्ष्मण बेंगरा गुफा, जोगीमारा गुफा, जोगीमारा गुफा में किसकी प्रणय गाथा, तो देवदत्त एवं सुतनुका की प्रणय गाथा का वर्णन है, ठीक है, किस भाषा में, तो पाली भाषा में, कौन से लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में, ठीक। सम्राट अशोक के अभिलेख यहां पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस गुफा में एक वरुण देव का मंदिर है, ठीक है, और ये जो गुफा है ये अजंता गुफा के समकालीन है। इतने फैक्ट्स आपको यहां पर रामगढ़ की पहाड़ी के विषय में याद रखने हैं, ठीक। आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, अब आप आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। रामगढ़ पहाड़ी से संबंधित तथ्यों पर क्या करना है, आपको विचार करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा की गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, सही है यह कथन, आराम से आप बना लेंगे अब इसको, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, यहां तुर्रा पाली जलप्रपात है, तुर्रा पाली नहीं है ये, तुर्रा पानी जलप्रपात है, ये पाली हो गया, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, तुर्रा पानी जलप्रपात है, ये पानी कर लेना ना इसको, तुर्रा पानी जलप्रपात है। इस पहाड़ी पर जोगीमारा गुफा है, सही है, जोगीमारा गुफा है, और क्या बोल रहा है, जो भीमबेटका गुफा के समकालीन है, भीमबेटका गुफा के समकालीन है क्या, नहीं है, कौन से गुफा के समकालीन है, तो अजंता गुफा के समकालीन है। ये जो भीमबेटका गुफा है इसको आगे अपन पढ़ेंगे, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक गुफा है, सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर गुफा,
रायगढ़ जिले के अंतर्गत इस सिंघनपुर गुफा की जो तुलना है वो भीमबेटका गुफा से की जाती है। और जो जोगीमारा गुफा है वो किसके समकालीन है, तो ये आपके अजंता गुफाओं के समकालीन है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जा रहा है यहाँ पर, गलत हो जा रहा है। और चौथा क्या बोल रहा है, हाथी पोल यहाँ प्रमुख गुफाओं में से एक है। देखा था हमने अभी चौथे नंबर पर, हाथी पोल क्या है, एक प्रमुख गुफा है रामगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत। तो एक दो और तीन जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और सॉरी, एक दो और चार जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और ये जो तीसरा कथन है आपका, ये क्या है, गलत है। मतलब तीन को छोड़कर क्या है, सभी सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो, ये तुर्रा पानी जलप्रपात है जो कि रामगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत है, एक तुर्रा जलप्रपात है जो कि सूरजपुर जिले में है। यहां पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सीता लेखनी पहाड़ी पर निम्न कथनों में विचार करें। ठीक, सीता लेखना की जो पहाड़ी है इसके बारे में सीजीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीता लेखनी की जो पहाड़ी है ये किस जिले में है। ठीक, अब तो ये क्वेश्चन आम हो गया कि सीता लेखनी की जो पहाड़ी है कौन से जिले में है, तो वो सूरजपुर जिले में है, सबको पता है। ठीक, अब इसमें क्या दिया जा रहा है, पहला जो कथन है ये बोल रहा है इसे कुदुरगढ़ी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस पहाड़ी पर स्थित बागेश्वरी मंदिर माता सरस्वती को समर्पित है। तीसरा, वर्तमान में यहाँ चार शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में यहाँ चार शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और चौथा बोल रहा है इस पहाड़ी पर माता सीता ने लेख लिखा था। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं सीता लेखनी पहाड़ी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री राम जी को क्या हुआ था, 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था। तो वो अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान अपना जो वनवास का अधिकतम समय वो कहाँ पर बिताए थे, तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ही वो बिताए थे। तो जब वो वनवास काल के दौरान निकले थे और जब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आते हैं, तो ये जो पहाड़ी है सीता लेखनी की पहाड़ी, इस पहाड़ी पर क्या किए थे, वो विश्राम किए थे। और इस पहाड़ी पर माता सीता के द्वारा क्या किया गया था, जय श्री राम लिखा गया था। ठीक है, क्या लिखा गया था, जय श्री राम लिखा गया था। ठीक है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम क्या है, तो सीता लेखनी की पहाड़ी है। ठीक है, माता सीता ने चूंकि यहां पर क्या किया था, एक लेख लिखा था, क्या लिखा था, तो जय श्री राम लिखा था, इसलिए इस पहाड़ी को क्या बोला जा रहा है, सीता लेखनी की पहाड़ी बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो सीता लेखनी की पहाड़ी है ये वर्तमान के अंतर्गत बलनारे ग्राम, कौन सा ग्राम, तो बलनारे ग्राम सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, और इस पहाड़ी पर बागेश्वरी माता का मंदिर भी है। ठीक है, कौन से माता का मंदिर है, बागेश्वरी माता का मंदिर है। और इस मंदिर को कुदुरगढ़ी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कुदुरगढ़ी मंदिर कहा जाता है। ठीक, और कुदुरगढ़ी मंदिर होने के कारण ही इस जो पर्वत है इसको कुदुरगढ़ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सीता लेखनी की जो पहाड़ी है वहां पर कुदुरगढ़ी मंदिर होने के कारण, या बागेश्वरी माता का मंदिर होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, कुदुरगढ़ पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो कुदुरगढ़ पहाड़ी है, ये माता जो बागेश्वरी है, इसमें क्या कथन बोला जा रहा है, माता सरस्वती को समर्पित है, ये गलत है। ठीक है, ये जो बागेश्वरी मंदिर है या कुदुरगढ़ी मंदिर है, ये माता पार्वती को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है, माता पार्वती को, माता पार्वती को क्या है, ये समर्पित है, माता पार्वती को समर्पित है। ठीक, वर्तमान में यहां चार शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। वर्तमान में यहां पर चार रॉक शेल्टर या शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, मतलब ऐसा क्षेत्र या ऐसा पहाड़ों के अंतर्गत एक खोल जहां पर क्या करते थे, पुराने समय में मनुष्य क्या करते थे, निवास करते थे। मतलब एक गुफा की ही संरचना जिसमें क्या किया जा रहा था, प्राचीन काल के अंतर्गत मनुष्यों द्वारा निवास किया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, चार शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यह भी बिल्कुल सही है कि कुदुरगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत या सीता लेखनी पहाड़ी के अंतर्गत चार शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, इस पहाड़ी पर माता सीता ने क्या किया था, लेख लिखा था। क्लियर, आपको क्या जानने हैं, कौन सा यह कथन है वो सत्य नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो पहला कथन आप पढ़ें, इसे कुदुरगढ़ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसे कुदुरगढ़ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहां पर बागेश्वरी मंदिर या कुदुरगढ़ी मंदिर है, और उसी मंदिर के नाम पर इस पहाड़ी को अपन किस नाम से जानते हैं, तो कुदुरगढ़ी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दूसरा, इस पहाड़ी पर स्थित बागेश्वरी मंदिर माता सरस्वती को समर्पित है, नहीं।
बागेश्वरी मंदिर तो है इस पहाड़ी पर, लेकिन वो किसको समर्पित है? तो माता पार्वती को समर्पित है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो जा रहा है? गलत हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है? वर्तमान में यहाँ चार शैलाश्रय प्राप्त हुए, यह बिल्कुल सही है, यहाँ पर चार शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं और इस पहाड़ी पर माता सीता ने लेख लिखा था। तो इस पहाड़ी पर माता सीता ने लेख लिखा था और क्या लिखा था? तो जय श्री राम लिखा था। क्लियर है? तो बोलो सब जय श्री राम। ठीक है, अब आपको क्या जानना है? कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पर, आप क्या बोल रहे हैं? कौन सा कथन सत्य नहीं है, है ना? सत्य नहीं है मतलब असत्य कथन छांटना है आपको। क्या बोल रहा है? ऑप्शन एक और तीन, केवल एक, दो, तीन और चार, और केवल दो। तो आप देख रहे हैं कि केवल जो दो है वो क्या है? असत्य है, बाकी सब इस कथनों के अंतर्गत सही कथन है। क्लियर? ठीक, एक चीज और याद रखना कि ये जो बागेश्वरी मंदिर है, जो सीतालेखनी पहाड़ी है, इसमें चैत्र एवं कुंवार नवरात्रि के अंतर्गत हर वर्ष मेला लगता है। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, महाकवि कालिदास अपने सरगुजा आगमन के समय किस राजा के दरबारी कवि थे? महाकवि कालिदास अपने सरगुजा आगमन के समय किस राजा के दरबारी कवि थे? ठीक है, तो जो महाकवि कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से क्या थे? एक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से क्या थे? ये एक थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब महाकवि कालिदास जी का नाम आ गया है तो महाकवि कालिदास जी के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना आप, भारत के अंतर्गत एक प्रतापी शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिनको आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। उन नवरत्नों में से एक रत्न थे कालिदास। ठीक है, जो इनके दरबार में दरबारी कवि के पद पर भी या राजकवि के पद पर क्या थे? आसीन थे। ठीक है, तो इनके दरबारी कवि कौन रहते हैं? कालिदास जी। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय रहते हैं, इनकी पुत्री प्रभावती का विवाह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वाकाटक वंशीय शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ रहता है। तो कालिदास जो रहते हैं ये क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आते हैं। ठीक है, कहां पर आते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आते हैं। अब छत्तीसगढ़ की यात्रा पर जब ये आते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये कहां आते हैं? तो ये आते हैं सरगुजा में। ठीक है, कहां आते हैं? सरगुजा। और इस समय छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के शासक, ठीक है, कौन से? वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय का शासन था। प्रवरसेन द्वितीय का शासन था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन शासन कर रहे थे? तो वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय शासन कर रहे थे, जो कि कालिदास के, या कालिदास जब छत्तीसगढ़ आए थे उस समय वाकाटक वंश के शासक थे। ठीक है, साथ ही जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं उनकी पुत्री रहती है कौन? प्रभावती। उन प्रभावती के क्या रहते हैं? ये पुत्र भी रहते हैं, मतलब नाती रहते हैं ये किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन? प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, आगे जब हम हिस्ट्री में आएंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, फिर ये जो कालिदास जी रहते हैं ये स्वर्गुजा को क्या करते हैं? स्वर्ग का द्वार कहते हैं। ठीक है, सरगुजा को क्या संज्ञा दिया इन्होंने? तो सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा। स्वर्ग का द्वार। ठीक है, इसके अलावा ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, इस रामगढ़ पहाड़ी पर बैठकर इन्होंने मेघदूतम की रचना की थी। मेघदूतम, ठीक है, किसकी रचना की? तो मेघदूतम की रचना की किस भाषा में किया पूछे मेघदूतम की रचना? तो संस्कृत भाषा में किया। ठीक, रामगढ़ पहाड़ी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? तो मेघदूतम की रचना की। और ये जो मेघदूतम है इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद, ठीक, मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, ठीक है, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत से छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था।
मुकुटधर पांडे, ठीक। और ये जो मुकुटधर पांडे थे, मुकुटधर पांडे, इनको इस अनुवाद के लिए, मतलब मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद के लिए 1976 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और मुकुटधर पांडे पहले व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के जिनको पद्मश्री सम्मान मिला है। क्लियर। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन? कालिदास। कालिदास ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, छत्तीसगढ़ में कहां की यात्रा की? तो सरगुजा की। और सरगुजा के बाद जब छत्तीसगढ़ आते हैं कौन? कालिदास जी। तो उस समय छत्तीसगढ़ में किसका शासन? तो वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय का शासन था। और प्रवरसेन द्वितीय कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाती थे, ठीक है। उनकी पुत्री प्रभावती के गुप्त, प्रभावती के क्या रहते हैं? ये पुत्र रहते हैं। इसके अलावा जो कालिदास जी रहते हैं, उन्होंने सरगुजा को क्या कहा? स्वर्ग का द्वार कहा। और रामगढ़ की पहाड़ी पर बैठकर इन्होंने क्या की थी? मेघदूतम की रचना की थी। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया। मुकुटधर पांडे को इस अनुवाद के लिए 1976 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? पहले व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के जिनको क्या प्राप्त हुआ है? पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? छुरी पहाड़ी का सर्वाधिक भाग किस जिले में स्थित है? क्या बोल रहा है? छुरी पहाड़ी का सर्वाधिक भाग किस जिले में स्थित है? ठीक, पहला क्या बोल रहा है? कोरबा। दूसरा क्या बोल रहा है? रायगढ़। तीसरा क्या बोल रहा है? सरगुजा। और चौथा बोल रहा है जसपुर। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा छुरी पहाड़ी के बारे में। तो छुरी और उदयपुर की दो पहाड़ियां हैं, आपको ध्यान में रखना है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक। एक पहाड़ी है छुरी पहाड़ी, ठीक, जो कि कोरबा में है। और दूसरा पहाड़ी है उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर पहाड़ी। ये जो उदयपुर पहाड़ी है ये रायगढ़ में है, ठीक है। एक पहाड़ी कौन सी? छुरी पहाड़ी। और दूसरी पहाड़ी कौन सी? रायगढ़ पहाड़ी। छुरी पहाड़ी कहां पर? कोरबा में। और उदयपुर पहाड़ी कहां पर? रायगढ़ में, ठीक है। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य में क्या है? एक घाटी है। और इस घाटी में क्या होती है? एक नदी प्रवाहित होती है। इस घाटी के अंतर्गत क्या होता है? एक नदी प्रवाहित होती है, ठीक। और इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है मांड नदी, ठीक है। इस घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मांड नदी। अब मांड नदी जो है ये गढ़ पहाड़ मैन पाट के उत्तरी ढाल से निकलता है, मैन पाट के उत्तरी ढाल से, गढ़ पहाड़ मैन पाट के उत्तरी ढाल से निकलता है। कौन सी नदी? मांड नदी। कहां से निकल रही है? तो गढ़ पहाड़ मैन पाट के उत्तरी ढाल से, गढ़ पहाड़ मैन पाट के उत्तरी ढाल से निकल रही है। कौन सी नदी? मांड नदी। और कहां प्रवाहित हो रही है? तो छुरी पहाड़ी कोरबा और उदयपुर पहाड़ी रायगढ़ के मध्य जो घाटी है वहीं पर क्या हो रही है? ये प्रवाहित हो रही है। चूंकि इस घाटी में मांड नदी प्रवाहित हो रही है, इसलिए इस घाटी को अपन किस नाम से जानते हैं? तो मांड नदी घाटी के नाम से जानते हैं, मांड नदी घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो मांड नदी घाटी है यहां छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम कोयले का भंडार वाला ये क्षेत्र है, मैक्सिमम कोयला भंडार क्षेत्र है ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो छुरी पहाड़ी है, इस छुरी पहाड़ी के अंतर्गत पवनखेड़ा पहाड़, ठीक है, या पिनखेड़ा पहाड़, फुटका पहाड़, ठीक है, केरता या केरला पहाड़, और उदयपुर पहाड़ी के अंतर्गत बारखोवा है ना, महादेव पहाड़, बिजौरा पहाड़, ठीक, ये सब क्या है? इस छुरी उदयपुर पहाड़ी के अंतर्गत कुछ क्या है? प्रमुख उनके हिस्से हैं। क्लियर। छुरी पहाड़ी कहां पर? कोरबा में। उदयपुर पहाड़ी कहां पर? तो रायगढ़ में। दोनों पहाड़ी के मध्य क्या? एक घाटी। और उस घाटी में कौन सी एक नदी प्रवाहित हो रही है? तो मांड नदी प्रवाहित हो रही है।
मांड नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? तो गढ़ पहाड़ मैनपाट के उत्तरी ढाल से हो रहा है। गढ़ पहाड़ मैनपाट के उत्तरी ढाल से क्या हो रहा है, इस नदी का उद्गम हो रहा है। और ये नदी कहां पर प्रवाहित हो रही है, तो छुरी और उदयपुर पहाड़ी के मध्य जो क्या है, घाटी है, उस घाटी में क्या हो रही है, ये प्रवाहित हो रही है। इसलिए इस घाटी को किस नाम से जाना जा रहा है, मांड नदी घाटी के नाम से जाना जा रहा है। और ये गढ़ नदी और इसीलिए ये जो मांड नदी घाटी है छत्तीसगढ़ में क्या है, मैक्सिमम कोयला भंडार वाला क्षेत्र है। ठीक, तो क्लियर है यहां तक। तो छुरी उदयपुर पहाड़ी का सर्वाधिक भाग कहां पर, छुरी पहाड़ी का सर्वाधिक भाग किस जिले में, तो छुरी पहाड़ी आपको कहां पर दिख रहा है, कोरबा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, कोरबा जिले के अंतर्गत क्या है, इसका सर्वाधिक भाग है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, मतिरिंगा पहाड़ी के संदर्भ में कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। किसके संदर्भ में, मतिरिंगा पहाड़ी के संदर्भ में कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, यह पहाड़ सूरजपुर जिले में है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है। तीसरा बोल रहा है, रिहंद नदी सरगुजा जसपुर सूरजपुर बलरामपुर जिले में प्रवाहित होती है। और चौथा बोल रहा है, इस नदी पर सरगुजा में रक्सगंडा जलप्रपात है। अब क्या देखना है अपने को, एक या दो सही है, दो तीन चार सही है, दो सही है कि केवल तीन सही है। पढ़ लेते हैं पहले मतिरिंगा पहाड़ी के बारे में। मतिरिंगा पहाड़ी के बारे में अपन पढ़ लेंगे तो फिर इनका आंसर आप क्या कर पाएंगे, आराम से दे पाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। मतिरिंगा पहाड़ी जो है आपका, इसका विस्तार कहां पर, तो ध्यान में रखना आप, इसका जो विस्तार है वो कहां पर है, सरगुजा जिले में है। इसका विस्तार सरगुजा जिले में। मतिरिंगा पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, ठीक, और नदी का नाम क्या, तो रिहंद नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, तो रिहंद नदी निकलती है कौन से पहाड़ी से, मतिरिंगा पहाड़ी से, है ना। अब रिहंद नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ऑप्शन में आपको रिहंद नदी से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी गई है, तो देख लेते हैं अपन। ये जो रिहंद नदी है ये मतिरिंगा पहाड़ कहां से निकल रहे हैं, सरगुजा से निकल रहे हैं। मतलब सबसे पहले कौन से जिले में प्रवाहित होगा, तो सरगुजा जिले में प्रवाहित होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मतिरिंगा पहाड़ी से निकलकर जो रिहंद नदी है सबसे पहले कौन से जिले में प्रवाहित हो रही है, सरगुजा जिले में प्रवाहित हो रही है। और रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। सरगुजा की जीवन रेखा नदी भी क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सरगुजा की जीवन रेखा नदी, लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा कौन है, तो रिहंद नदी है। सरगुजा के बाद ये जो नदी है ये पहुंचती है सूरजपुर जिले में। ठीक है, कहां पहुंच रही है, सूरजपुर जिले में। और सूरजपुर में ये जो रिहंद नदी है ये रिहंद बेसिन का निर्माण करता है, रिहंद बेसिन का निर्माण करता है ये। ठीक, और इसके साथ ही सूरजपुर में ही, ठीक है, यहां पर एक रक्सगंडा जलप्रपात है। ठीक है, क्या है, एक रक्सगंडा जलप्रपात है। ठीक, क्या है, रक्सगंडा जलप्रपात है। कहां पर है, तो सूरजपुर में है। ठीक, कौन सा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात। सूरजपुर के उपरांत ये जो नदी है ये पहुंचती है बलरामपुर और बलरामपुर से फिर आगे ये पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहां पहुंच जाता है ये, उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1954 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जगह है सोनभद्र। ठीक है, कौन सा जगह है, सोनभद्र। इस सोनभद्र नामक स्थान पर 1954 में रिहंद नदी पर क्या किया गया, एक बांध बनाया गया। और रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया उसका नाम क्या, तो गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय।
ठीक है, क्या बनाया गया? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय या गोविंद वल्लभ पंत बांध बनाया गया कहां पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कब? तो 1954 में। ये जो गोविंद वल्लभ पंत है ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है। कौन? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, इसके बाद आगे ये जो रिहंद नदी है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रेणुकूट नामक स्थान पर जाकर क्या होती है? सोन नदी से मिल जाती है और सोन की ये सहायक नदी है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने उस क्वेश्चन की ओर जो आपको मतिरिंगा पहाड़ी से संबंधित पूछा गया था। ठीक, सबसे पहला क्या बोल रहा है कि मतिरिंगा पहाड़ी के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। यह पहाड़ सूरजपुर जिले में है क्या? नहीं, ये आपका सरगुजा जिले में है। कौन से जिले में है? सरगुजा जिले में है। दूसरा क्या बोल रहा है आपको? इस पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम है। क्या है? रिहंद नदी का उद्गम है। बिल्कुल सही, हमने देखा कि मतिरिंगा पहाड़ से क्या हो रहा है? रिहंद नदी का उद्गम हो रहा है। रिहंद नदी सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर जिले में प्रवाहित हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सरगुजा के बाद ये जसपुर नहीं जाता। कहाँ जाता है? सरगुजा से ये सूरजपुर, और सूरजपुर से बलरामपुर, और बलरामपुर से फिर ये उत्तर प्रदेश चले जाता है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? तो सरगुजा से सूरजपुर, सूरजपुर से बलरामपुर, और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर इस नदी पर सरगुजा में रक्षगंडा जलप्रपात है। सरगुजा में है क्या? नहीं, सरगुजा में नहीं है। रक्षगंडा जलप्रपात कहां पर है? तो रक्षगंडा जलप्रपात सूरजपुर में है। क्लियर, अब आपको क्या देखना है? एक दो सही है, दो तीन चार सही है, दो सही है, तीन सही है। ठीक है, तो क्या क्या सही है आपका? तो केवल दो ही क्या है यहां पर सही है, बाकी तीनों कथन क्या है यहां पर आपके असत्य हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकल पर्वत के विषय में कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, किसके संदर्भ में? मैकल पर्वत के संदर्भ में। पहला क्या बोल रहा है? कांदावानी पहाड़ी इसका प्रमुख अंग है। कांदावानी पहाड़ी पर बौद्ध सम्मेलन होता है। कांदावानी पहाड़ी के उत्तर से आमनेर नदी निकलती है और मैकल पर्वत बैगा जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। अब पांचवा क्या बोल रहा है? चंद्रादित्य पहाड़ी इसका भाग नहीं है। और कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है? एक दो पांच असत्य है, दो तीन पांच असत्य है, तीन चार पांच असत्य है, या केवल दो असत्य है? ये अपने को क्या करना है? देखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले मैकल पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर क्या करेंगे अपन मैकल पर्वत के बारे में ये जो क्वेश्चन है आपका उस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, मैकल पर्वत, ठीक है, मैकल पर्वत जो है, इस मैकल पर्वत का विस्तार कहां कहां पर है? मैकल पर्वत का विस्तार, तो जो मैकल पर्वत है अभी हमने जस्ट देखा था, यहां पर छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाया था हमने, है ना, इसमें देखा था कि गौरेला पिंडा मरवाही से मुंगेली, कंवरधा, खैरागढ़, चीखदान, गंडई और राजनांदगांव में क्या है? मैकल पर्वत का विस्तार है। तो विस्तार जो है इसका गौरेला पिंडा मरवाही के पेंड्रा क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? गौरेला पिंडा मरवाही के पेंड्रा क्षेत्र में। दूसरा मुंगेली के लोरमी क्षेत्र में। तीसरा कंवरधा के पंडरिया क्षेत्र में। और चौथा खैरागढ़ छुई खदान गंडई के खैरागढ़ और गंडई क्षेत्र में। इसके अलावा राजनांदगांव के कौन से क्षेत्र में? तो डोंगरगढ़ क्षेत्र में। क्या है ये जो पहाड़ी है इसका विस्तार है। क्लियर, ये जो पहाड़ी है इसकी ऊंची चोटी है बदरगढ़। ठीक, क्या है? बदरगढ़। हाइट कितनी? तो 1176 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी है? तो 1176 मीटर है। और कहां पर है ये? तो ये कंवरधा में है।
ठीक है, बदरगढ़ चोटी कहां पर? कवर्धा में। और यही बदरगढ़ चोटी क्या है, आपके छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक, फिर जो मैकल पर्वत है इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ढाल कहां है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, किसी कुछ डाउट है? नहीं। ठीक, ये जो मैकल पर्वत है यहां पर वन, तो मुख्य रूप से मैकल पर्वत में साल वन पाए जाते हैं। ठीक, कौन सा वन पाया जाता है? साल वन पाया जाता है। इसके अलावा ये जो मैकल पर्वत है ये प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करता है, नेचुरल बाउंड्री ये क्या करता है, क्रिएट करता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है ना, किसके किसके मध्य? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मंडला और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गौरेला पिंडा मरवाही वाला जो पिंडा वाला क्षेत्र है इसके मध्य क्या करता है ये, मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य क्या कर रहा है, ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर अगर स्थान पूछ दे तो मंडला और गौरेला पिंडा मरवाही आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। इसके अलावा मैकल पर्वत में जो अन्य पहाड़ हैं वो आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है देवसीन पहाड़, लीलावनी पहाड़, भरकुंड पहाड़, झाला पहाड़, सोनभद्र पहाड़। ठीक, ये क्या है, सब इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य पहाड़ हैं। ठीक, आगे अपन देखते हैं मैकल पर्वत के बारे में। तो ये जो मैकल पर्वत है आपका, ठीक है, ये मैकल पर्वत को अपन सबसे पहले देखते हैं राजनांदगांव जिले में। ठीक है, कौन से जिले में? राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आपको क्या देखना है? डोंगरगढ़। ठीक है, क्या देखना है? डोंगरगढ़। और डोंगरगढ़ का पुराना नाम जो है वो है कामावतीपुरा। डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या? तो कामावतीपुरा क्या है इसका पुराना नाम है। ठीक है, डोंगरगढ़ में माता बम्लेश्वरी का मंदिर इसी पहाड़ी पर, माता बम्लेश्वरी का मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण जो है, माता बम्लेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा वीर सेन ने कराया था। राजा वीर सेन, बम्लेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा वीर सेन ने कराया। साथ ही इस डोंगरगढ़ के अंतर्गत एक प्रज्ञागिरी पहाड़ी। अब प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर महात्मा बुद्ध की 30 फीट की प्रतिमा। और ये जो प्रतिमा है ये समाधि अवस्था में है। ठीक है, कौन से अवस्था में है? तो समाधि अवस्था में है। ठीक है, कौन से अवस्था में? समाधि अवस्था में। महात्मा बुद्ध की 30 फीट प्रतिमा जो कि किस अवस्था में है? समाधि अवस्था में है। हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा में क्या होता है? यहां पर मेला लगता है। हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा में मेला लगता है यहां पर। आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि कौन से पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा प्रतिवर्ष 6 फरवरी को, ठीक है, कब? 6 फरवरी को यहाँ प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन होता है। ठीक है, इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन होता है, इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन होता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ष 2023 के अंतर्गत जो फरवरी में 6 फरवरी को इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन हुआ वो किस क्रम का बौद्ध सम्मेलन था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा राजनांदगांव के अंतर्गत ही इस मैकल पर्वत में एक चंद्रादित्य पर्वत है।
चंद्रादित्य पर्वत, ठीक है। और जो चंद्रादित्य पर्वत है ये ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र है, ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र है, ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र है। क्लियर यहां तक? आगे मैकल पर्वत में और देखते हैं अपन, कवर्धा जिले के अंतर्गत जो मैकल पर्वत है अपना, ठीक, इसको देखते हैं अपन कवर्धा जिले में। कवर्धा जिले में मैकल पर्वत के अंतर्गत इसकी प्रमुख पहाड़ी जो है वो है कांदावानी की पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है? तो कांदावानी पहाड़ी, ठीक। कौन सी एक पहाड़ी है कवर्धा के अंतर्गत मैकल पर्वत में? तो कांदावानी की पहाड़ी। कांदावानी की पहाड़ी के पश्चिम और कांदावानी पहाड़ी के पूर्व, कांदावानी पहाड़ी के पश्चिम और कांदावानी पहाड़ी के पूर्व, तो कांदावानी पहाड़ी के पश्चिम से दो नदी निकलती है, एक है आपकी बंजर नदी और दूसरा है आपका ताड़ा नदी, ठीक है। कौन सा नदी? ताड़ा नदी। एक क्या आपका बंजर नदी और दूसरा क्या? ताड़ा नदी। ये जो दोनों नदियां हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। क्या है ये? नर्मदा की सहायक नदी है। और पूर्व से भी दो नदी निकलती है इस कांदावानी पहाड़ी के, एक हाफ नदी और दूसरा है आमनेर नदी। पहला हाफ नदी और दूसरा आमनेर नदी। ये जो आमनेर नदी है इसके तट पर खैरागढ़ शहर बसा हुआ है, ठीक है। क्या बसा है? खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। आमनेर नदी के तट पर कौन सा एक शहर बसा हुआ है? तो खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। साथ ही खैरागढ़ में आमनेर मुस्का और पिपरिया नदी का संगम है, ठीक है। किसका किसका संगम है? तो आमनेर मुस्का और पिपरिया नदी का संगम है। परंतु खैरागढ़ जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो वो है आपका आमनेर नदी, ठीक। इसके अलावा इस कवर्धा के अंतर्गत चिल्फी घाटी भी है, मैकल पर्वत रेंज में क्या है? एक आपका चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी के अंतर्गत एक जो खनिज है वो हमको प्राप्त होता है लौह अयस्क और दूसरा हमको मिलता है यूरेनियम। लौह अयस्क के लिए दो जगह यहां पर प्रसिद्ध है, एक है आपका एक लामा और दूसरा है आपका चेलिक लामा, ठीक है। क्या क्या है? पहला एक लामा और दूसरा चेलिक लामा, ठीक। इसके अलावा मैकल पर्वत के अंतर्गत जो पूरी मैकल श्रेणी है उसके अंतर्गत भोरम देव भी है, ठीक है। भोरम देव के अंतर्गत आपको भोरम देव मंदिर पढ़ना है, मड़वा महल पढ़ना है, भोरम देव अभ्यारण्य पढ़ना है। जब आगे अपन हम इतिहास में आएंगे फड़ी नागवंश पढ़ेंगे तब उनके बारे में चर्चा करेंगे, अभी यहीं तक इसको देखते हैं। मैकल पर्वत, मैकल पर्वत के अंतर्गत कवर्धा, कवर्धा में कांदावानी की पहाड़ी है मैकल पर्वत का हिस्सा, और कांदावानी पहाड़ी के पश्चिम से कौन सी नदी? बंजर नदी और ताड़ा नदी निकलती है, और ये दोनों ही नदियां किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। पूर्व से कौन सी दो नदियां निकल रही है? तो एक तो निकल रही है हाफ नदी और दूसरा निकल रहा है क्या? आमनेर नदी। ये जो हाफ और आमनेर नदी है आगे जब हम लोग अपवाह तंत्र देखेंगे तब देखेंगे कि शिवनाथ की सहायक नदियां हैं, है ना। आमनेर नदी के तट पर कौन सा शहर? खैरागढ़ शहर, और खैरागढ़ में आमनेर मुस्का पिपरिया का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है, क्लियर। उसके अलावा क्या? चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी में क्या आपका? लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए कौन से दो जगह प्रसिद्ध? एक लामा और चेलिक लामा, और दूसरा कौन सा एक खनिज मिलते हैं हमको वहां पर? यूरेनियम भी प्राप्त होता है, क्लियर। अब पढ़ते हैं मैकल पर्वत के, ठीक। क्या बोल रहा है? कांदावानी पहाड़ी इसका प्रमुख अंग है। दूसरा क्या बोल रहा है? कांदावानी पहाड़ी पर बौद्ध सम्मेलन होता है। तो आपको क्या जानना है यहां पर? असत्य कथन जानना है, ठीक है। कौन से कथन जानने हैं? असत्य कथन जानने हैं। तो कांदावानी पहाड़ी क्या है? इसका प्रमुख अंग है। असत्य है क्या? नहीं है, सही है बिल्कुल।
दूसरा क्या बोल रहा है, कांदावानी पहाड़ी पर बौद्ध सम्मेलन होता है, गलत। ठीक है, पहला सत्य कथन क्या हो गया हमारा, कांदावानी पहाड़ी पर क्या हो रहा है, बौद्ध सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, बौद्ध सम्मेलन कहां हो रहा है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर, राजनांदगांव डोंगरगढ़ में हो रहा है ना। फिर आप क्या देख रहे हैं, कांदावानी पहाड़ी के उत्तर से आमनेर नदी निकलती है, उत्तर से निकलती है क्या, नहीं, कांदावानी पहाड़ी के पूर्व से आमनेर नदी निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है, पूर्व से, उत्तर से नहीं निकल रही, इसलिए यह कथन भी क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। मैकल पर्वत बैगा जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है, बिल्कुल बैगा जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कवर्धा और बिलासपुर है, और कवर्धा के अंतर्गत आपका मैकल पर्वत वाला जो रेंज है उसमें क्या है, बैगा जनजाति प्रमुखता से निवास करती है। चंद्रादित्य पहाड़ी इसका भाग नहीं है, गलत, चंद्रादित्य पहाड़ी क्या है, इसका भाग है। अपने को क्या जानना है, असत्य कथन जानना है। ठीक है, तो कौन कौन सा असत्य हो जाएगा इसमें, एक तो दूसरा अपने को दिख रहा है, दूसरा क्या, तीसरा दिख रहा है, और पांचवा दिख रहा है ना, तो दो तीन और पांच क्या है इसमें असत्य कथन है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैकल पर्वत के विस्तार को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, कैसे व्यवस्थित करना है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब उत्तर से मैंने अभी जस्ट आपको विस्तार बताया था, सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा आपका, गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत पेंड्रा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, है ना, सबसे पहले उत्तर में क्या आ जाएगा आपका, पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत क्या आपका, पेंड्रा सबसे उत्तर में हो जाएगा। दूसरा, पेंड्रा के बाद क्या, गौरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे मुंगेली, तो मुंगेली के अंतर्गत लोरमी, मुंगेली के अंतर्गत लोरमी, लोरमी मुंगेली के नीचे क्या, कवर्धा, तो कवर्धा में आपका पंडरिया, और उसके नीचे क्या आपका, कवर्धा के नीचे आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तो गंडई खुर्च के अंतर्गत आपका खैरागढ़, और गंडई वाला जो क्षेत्र है वो क्या होगा, इसका हिस्सा होगा, और सबसे नीचे में आपका डोंगरगढ़, डोंगरगढ़। ठीक है, क्लियर हो गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, पेंड्रा दिख रहा है, पेंड्रा तीनों में दिख रहा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका यहीं पर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर क्या देखना है आपको, लोरमी, तो लोरमी क्या हो गया, दूसरे में आ गया, यहीं से क्या हो जा रहा है आपका, आंसर सही हो जा रहा है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, फिर पंडरिया, फिर खैरागढ़, फिर डोंगरगढ़। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस पर्वत को सतपुड़ा की बाहरी दीवार कहा जाता है, ठीक है, सतपुड़ा की बाहरी दीवार कहा जाता है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक, क्या है, किस पर्वत को सतपुड़ा की बाहरी दीवार कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा मैकल पर्वत है इसे क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की बाहरी दीवार कहा जाता है। ठीक, ये जो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक, छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा क्या है आपका, पूरा मैकल पर्वत का क्षेत्र है, है ना, और ये आपका जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है आपका, ये जो क्षेत्र मध्य प्रदेश वाला, इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या आपका एक पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक, इसके अलावा ये जो सतपुड़ा है ये गुजरात राज्य में भी है। ठीक, तो इधर से ये फैलता हुआ आ रहा है कहां पर, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसी सतपुड़ा पर्वत का भाग क्या आपका, मैकल पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत का ही भाग क्या आपका, मैकल पर्वत, और इस मैकल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में होने के कारण पूर्वी सतपुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, पूर्वी सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ ही इसको सतपुड़ा की बाहरी दीवार भी कहा जाता है, सतपुड़ा की बाहरी दीवार कहा जाता है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत कहां, पश्चिम से फैलते हुए आ रहा है किधर, पूर्व की ओर। ठीक है, और इसके सबसे पूर्व में क्या हो गया आपका, मैकल पर्वत हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पूर्वी सतपुड़ा बोल रहे हैं, किसको पूर्वी सतपुड़ा बोल रहे हैं, मैकल पर्वत को। साथ ही इसको और क्या बोला जा रहा है, तो सतपुड़ा की बाहरी दीवार कहा जा रहा है, इसलिए सतपुड़ा की बाहरी दीवार क्या हो गया आपका, आंसर डी, मैकल पर्वत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से दो पहाड़ हसदेव नदी द्वारा पृथक होते हैं, ठीक है, कौन से दो पहाड़ हैं वो हसदेव नदी द्वारा पृथक होते हैं,
छुरी उदयपुर व मैकल श्रेणी, छुरी उदयपुर व मतिरिंगा पहाड़ी, छुरी उदयपुर व पेंड्रा और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हसदेव नदी के द्वारा छुरी उदयपुर की पहाड़ी और जो मैकल पर्वत है वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर, हसदेव नदी किन दो पर्वतों को अलग करती है, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी और मैकल श्रेणी को क्या करती है, ये अलग या विभाजित करती है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा पहाड़ मैकल पर्वत का हिस्सा नहीं है, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इनमें से कौन सा जो पहाड़ है वो मैकल पर्वत का हिस्सा नहीं है, है ना। देवसीन पहाड़, सोनभद्र पहाड़, जनता पहाड़, भरकुंड पहाड़। अभी जस्ट हमने बताया था आपको कि देवसीन, सोनभद्र और भरकुंड जो है किसके हिस्से हैं, तो ये सब मैकल पर्वत के हिस्से हैं, लेकिन ये जो जनता पहाड़ है ये मैकल पर्वत का हिस्सा नहीं है। जनता जो पहाड़ है ये उदयपुर पहाड़ी जो रायगढ़ के अंतर्गत है उसका हिस्सा है, उदयपुर पहाड़ी का हिस्सा है। कौन सा आपका, जनता पहाड़। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस पहाड़ी पर नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगता है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, गिफ्ट था आप लोग के लिए, बना लीजिए इसको। ठीक है, क्या होगा, गड़िया पहाड़, रामगढ़ पहाड़ी, सिहावा पर्वत और दलहा पहाड़। ठीक है, तो गड़िया पहाड़ जो है, ये जो गड़िया पहाड़ है आपका, ये कांकेर जिले में आता है और यहां पर एक गड़िया महोत्सव भी होता है। ठीक है, क्या होता है, गड़िया महोत्सव, और ये जो गड़िया महोत्सव है आपका ये हर वर्ष सितंबर माह में होता है। ठीक है, कब होता है, तो सितंबर माह में होता है। रामगढ़ पहाड़ी के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया है, सिहावा जो पर्वत है इसको आप जानते हैं महानदी के उद्गम के बारे में। ठीक, सिहावा पर्वत से क्या हो रहा है आपका, महानदी का उद्गम हो रहा है। और ये जो दलहा पहाड़, बस गया आपका जांजगीर चांपा में, ये दलहा पहाड़ी क्या है, वो जगह है जहां पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी के अवसर पर क्या होता है, मेला लगता है। क्लियर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दलहा पहाड़ के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, अभी दलहा पहाड़ के बारे में आपने क्या देखा था कि नाग पंचमी के अवसर पर क्या हो रहा है, वहां पर मेला लग रहा है। ठीक है, अब कुछ कथन और जानने हैं आपको, क्या बोल रहा है, पहला, यह पहाड़ जो है जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यह पहाड़ जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र में विस्तृत है। और दूसरा क्या बोल रहा है, इस पहाड़ की ऊंचाई 760 मीटर है, कितने मीटर है, 760 मीटर है। ठीक, और क्या जानना है आपको, एक सही है, दो सही है, एक व दो सही है कि एक व दो दोनों गलत है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है जांजगीर चांपा में तो है, लेकिन क्या अकलतरा क्षेत्र में ही विस्तृत है, तो बिल्कुल हाँ, ये जो पहाड़ है आपका दलहा पहाड़, ये जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र में ही क्या है, विस्तृत है। पहला कथन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, और दूसरा, इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 760 मीटर है। क्या बोला जा रहा है, 760 मीटर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसको क्या करना है, अगर आपको 100% चीजें पता होंगी कि हाँ इस पहाड़ की ऊंचाई अगर 760 मीटर है, आपने पढ़ा है, आपको पता होगा, तभी क्या करेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन को टच करेंगे, नहीं तो चुप जय श्री राम बोलकर क्या कर देना है आपको, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बनाने हैं अगर आपको डाटा एग्जैक्ट पता ना हो। क्लियर, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर एक भी गलती करेंगे डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप क्या कर दें, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दें अगर आपको 100% चीजें यहां पर पता नहीं है। ठीक है, हालांकि यहां पर ये जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई कितनी है, 760 मीटर है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक व दो क्या है, सही है। लेकिन समझदारी दिखाना है जब भी आप पीएससी का पेपर देने के लिए जाएंगे, अगर ऐसे डाटा वाले क्वेश्चन रहे और आपको एग्जैक्ट डाटा पता ना हो तो आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, चैतुरगढ़ पहाड़ी के संबंध में कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। चैतुरगढ़ पहाड़ी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, यह पहाड़ी कोरबा जिले में है। दूसरा बोल रहा है, यह पहाड़ी क्षेत्र छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। इस पहाड़ी पर चैतुरगढ़ का किला है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1080 मीटर है। ठीक है, क्या है, इस पहाड़ी की ऊंचाई 1080 मीटर है। कौन सा या कौन से जो कथन है वो क्या है, सत्य है। आपको यहां पर क्या जानना है, सत्य कथन जानने हैं। तो
जो चैतुरगढ़ की पहाड़ी है ये क्या है, कोरबा जिले में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो आपका कोरबा है, कोरबा है ना, ये कोरबा जो है यहां पर आपको दो तीन चीजें जाननी है। पहला, यहां पर एक लाफागढ़ पहाड़ी है जिस पर एक लाफागढ़ का किला है, ठीक, लाफागढ़ किला। दूसरा, चैतुरगढ़ क्षेत्र है, ठीक, चैतुरगढ़ की पहाड़ी है और एक पलमा चोटी है। ठीक, लाफागढ़ जो है, जो लाफागढ़ का किला है इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। ठीक है, लाफागढ़ पहाड़ी के अंतर्गत जो किला है आपका लाफागढ़ का किला, वो क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहलाता है। ठीक है, दूसरा चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ के अंतर्गत जो चैतुरगढ़ का क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। और साथ ही जो चैतुरगढ़ का किला है, ठीक है, चैतुरगढ़ का जो किला है ये सबसे अभेद्य किला माना जाता है, सबसे अभेद्य किला माना जाता है, सबसे अभेद्य किला माना जाता है। और इसको सबसे अभेद्य किला की जो संज्ञा दिया है वो मिस्टर वैगनर ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, मिस्टर वैगनर ने चैतुरगढ़ किले को सबसे अभेद्य किला कहा है। साथ ही जो पलमा चोटी है इसकी हाइट 1080 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 1080 मीटर। और जो लाफागढ़ है इसकी जो ऊंची चोटी है, इसकी ऊंची चोटी है 1048 मीटर। क्लियर, अब देखते हैं, यह पहाड़ी कोरबा जिले में है, तो चौतीरगढ़ पहाड़ी क्या हो गया आपका, कोरबा जिले में हो गया, क्लियर है। दूसरा, यह पहाड़ी क्षेत्र छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। ठीक है, चैतुरगढ़ जो पहाड़ी क्षेत्र है क्या है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर है, यह भी कथन क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। इस पहाड़ी पर चैतुरगढ़ का किला है, यह भी बिल्कुल सही है, चैतुरगढ़ का किला है। चैतुरगढ़ किला के बारे में आपको और क्या जानना है, कि सबसे अभेद्य किला है, किसने कहा है, तो मिस्टर वैगनर ने कहा है। ठीक है, इस पहाड़ी की ऊंचाई 1080 मीटर है, तो क्या 1080 मीटर है, नहीं, 1080 मीटर किसकी ऊंचाई है, तो पलमा चोटी की ऊंचाई है। ठीक, तो कौन सा कथन सत्य है, बोल रहे हैं 1, 2, 3 सत्य है, यहीं पे दिख गया आपको, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा भी क्या है, सत्य है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैकल पर्वत का ढाल किस ओर है, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, मैकल पर्वत का जो ढाल है वो किस ओर है। मैंने अभी बताया था आपको जब मैकल पर्वत हम पढ़ रहे थे, है ना, कि मैकल पर्वत का ढाल किस ओर है। ठीक है, तो किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो यह था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ छत्तीसगढ़ का जो उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ तक के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो क्या हो जा रहे हैं आपके, कंप्लीट हो जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आपका दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो बचा हुआ है। दंडकारण्य के क्षेत्र को हम क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में तय करेंगे। साथ ही बने रहिए आप क्लास में, हमारे टॉप MCQ सीरीज में, जिसमें हम MCQ के माध्यम से ही क्या कर रहे हैं, आपके संपूर्ण CGPSC पाठ्यक्रम की तैयारी हम करवा रहे हैं। इस बात को आप स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको क्या कर दिया जा रहा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करा दी जा रही है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।